बारिश ऐसा लगा तेज होने वाली है ना, काफी ट्रैफिक है यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो जगह है जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, ये रजबपुर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर बना है। देखो गजगाजरों को जैसा बना है, देख रहो ये मार्केट में आ चुका है। मेहरबान कदरदान, माय नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजी व्लॉग्स पर। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। यार पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, इंट्रो में पिछले दो ब्लॉग्स में बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है, तो अब से इंट्रो ऐसी बोला रहूंगा मैं, ठीक है, डेली। यार अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए ब्रजघाट, ठीक है, जो कि यहाँ से 96 किलोमीटर है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके वो देखिए, और जब तक आप वो वीडियो देखोगे तब तक मैं राइड के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो उसके बाद शूट हो रही है, ठीक है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, देख रहा हूँ ये सब सामान जो है ये इधर रखा है, ठीक है, ये बैग वाला मेरा तैयार है, एक ही बैग लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, दो बैग, वो बैग कैरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट रोड ट्रिप आएगी उसमें कैरी करूँगा, ठीक है। और ये मेरा हेलमेट है, ये बाकी सामान है, इसको मैं फटाफट अंदर रख लेता हूँ, उसके बाद फटाफट आपको बाइक पर ले चलता हूँ। तो बाइक पर मैंने कुछ माउंट्स लगाए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पहली बार लगाए मैंने माउंट्स, उसमें जो एस जे गैंग के साथ मुझे माउंट्स मिले थे, तो फटाफट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पहले ये पैक कर लेता हूँ। गबरू क्या हाल चाल, बढ़िया यारा, बढ़िया। तो देख सकते हो मैंने इस पर कुछ माउंट्स लगाए, ठीक है, इसमें मैंने दो माउंट्स लगाए, एक माउंट ये लगाया, ठीक है, पीछे, ताकि मैं पीछे का इधर का पूरा व्यू ले सकूं, ठीक है, यहाँ का। और एक माउंट मैंने ये लगाया, देख रहा हूँ यहाँ पर मैं एक्शन कैमरा फिट करके जब बाइक चले तो यहाँ का व्यू ले सकूँ, ठीक है। तो ये माउंट लगाए मैंने दो, और बाकी तो बाइक अपनी सेट है, ठीक है, देख रहा हूँ चमक रही है बिल्कुल, इसको मैं सर्विस कराई थी, धुलाई की थी, देख रहा हूँ। तो फटाफट एक काम करता हूँ, अपना गेट्स पहनता हूँ और गेट्स पहन के निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो मैं रेडी हो चुका हूँ राइड पे निकलने के लिए, ठीक है, अरे फटाफट बाइक को बाहर निकालते हैं। तो ये मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ जा रहा है, तो उसे ही पिक करना है कृष्णा मंदिर के पास से, ठीक है, तो मैंने थोड़ी आगे बुला लिया, वो आ जाएगा। यार ये राइड जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। ये मेरी फर्स्ट शॉर्ट राइड है, कोशिश करूँगा एक से एक बढ़िया चीज़ दिखा पाऊँ आपको, ठीक है। तो ब्रजघाट में जो हो, ठीक है, और ब्रजघाट से पहले जो जो पड़े तो वो आपको मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मोबाइल होल्डर के साथ, जो कि मैंने फोल्ड ऐसा रखा। हाँ भाई मोहित भाई, लेट कर दिया मैंने, लेट नहीं बहुत लेट कर दिया, लोकेशन डाल लेते हैं, तो जो है सही है। तो लोकेशन डाल दी, आप देख सकते हो, चलते हैं फटाफट। वैसे तो ब्रजघाट तक जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी देखने में, है ना। तो अभी हम निकलेंगे बाईपास से, जो कि आगे पड़ेगा अजीतपुर बाईपास, ठीक है, आगे से यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन सीधे आएंगे तो सीधे आगे हम इधर राइट टर्न ले लेंगे, राइट टर्न पे फिर मुरादाबाद रोड दिल्ली रोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर पेट्रोल भी जो है अभी आगे से डलवाएंगे, ठीक है, तो इतना तो है इसमें कि वहाँ तक आराम से पहुँच जाए, ठीक है, दिल्ली रोड पर जो पड़ता है। यहाँ से शुरू हो चुका है ये NH9 है, ठीक है, ये जो होटल दिख रहा है ना आपको सामने, यहाँ से भी रोड गया है, देख रहे हो मुरादाबाद है 23, यहाँ से नैनीताल है 110 किलोमीटर, ठीक है, जो कि आप राइट जाओगे तब आएगा, ठीक है, नैनीताल। तो एक ही मेन रोड है, ये हम बाईपास से आए हैं इधर इस रोड पर, दिल्ली रोड पर, ये जो मेन रोड है ये वहाँ से गया है, ठीक है, इस होटल के इधर से, जो कि अम्बेडकर पार्क वाला रास्ता है, जो कि फिर इधर आते हैं हम, है ना, वो थोड़ा लंबा पड़ता हूँ मैं, बस मेरे घर से जो है ये बाईपास पास है, इसलिए मैं इस रोड से आया हूँ, ठीक है।
आज होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देख रहा हूँ फैली रखी है, तो लोग यहाँ पे बहुत सराहते हैं, जैसे कुछ जिसकी जिया डेथ हो जाती है, अभी कुछ हो जाता है, अगर पूजा होती है वो यहाँ पे सराहता है, ठीक है। इस नदी में, ये कोसी नदी का पुल है, ठीक है। अगर आपको इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो अभी जाके, और आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो देखने को मिलने वाली है ना, जो कि मैं अपने बुलेट पे एक्सप्लोर करूँगा। यार यहाँ पे ऐसा लगता है भी कि बारिश पड़ी है, देख रहे हो बारिश यार पड़ रही है यहाँ पे, एक्चुअली देख रहे हो, पता नहीं आगे तेज है हल्की है, यार बारिश पड़ने लगी है एकदम, देख रहे हो आपको इस ट्रिप पे बारिश भी एकदम, अभी अभी निकला और अभी बारिश, कोई बात नहीं यार, ये देख रहे हो, और अगर बारिश तेज हुई तो रुक जाएंगे, है ना भाई, तेज होगी रुक जाएंगे, बारिश ऐसा लगा तेज होने वाली है ना। मैं एक काम करता हूँ, बैठा फिर थोड़ी देर के लिए फोन निकाल लेता हूँ, है ना, बारिश पड़ी है अगर अभी थोड़ी देर रुक जाती है वो तो नहीं निकालूंगा, और अगर पड़ती रही बारिश तो मुझे मजबूरन निकालना पड़ेगा फोन, अगर यार ये वाटर प्रूफ फोन नहीं है, ठीक है यार, फोन निकाल लेता हूँ, है ना, नहीं तो खराब हो जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ जब चल रही है तेज लग रही है भाई, यार मोबाइल रोडने में से मोबाइल निकाल लिया, फटाफट चलते हैं आगे। यार बारिश का भी अपना अलग ही मजा है, जैसे कि राइड पे जा रहे हैं हम, बारिश चल रही है, कहीं हम रुक रहे हैं, वैसे तो मैं रेनकोट भी कैरी करके लाया हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे बैठा मोहित तो वो शायद रेनकोट नहीं ला रहा है। यार आज हमारे एक्शन कैमरा का भी टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, लॉन्ग राइड पे थोड़ा लगातार मोटर बोइंग करते हुए चले आना है ना, तो देखते हैं ये काम हमारा सही करता है नहीं करता। यार प्लान तो था सुबह 5 बजे निकलने का, लेकिन निकलते निकलते देर हो गई, सच बात तो ये निकलते निकलते देर इसलिए हो गई, देखो पहली शॉर्ट राइड है कैमरे के साथ, ठीक है, कैमरे से बोइंग करते हुए, कोई बाइक पे है ना, कार में होता तो कोई बात ही नहीं है, बाइक पे सारी चीज़ें एक बैग में करनी पड़ती हैं और भी चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, बाकी देखते हैं आगे अगर पेट्रोल पम्प हमें दिखेगा तो हम पेट्रोल डलवाएंगे। बड़ी लंबी लाइन लगी है यार, बड़ी लंबी लाइन लगी है, बड़ा जा रहा है आगे, है कितनी दूर आगे, अरे यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है, देख रहे हो आप, आगे डलवानी है, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो कोशिश करेंगे आगे डलवाएं, है ना, पेट्रोल जो है अब मैं आगे ही डलवाऊंगा। तो अभी हम लोग रामपुर और मुरादाबाद रोड के, मुरादाबाद को जो कट गया उसके बीच में है, ठीक है, मुरादाबाद यहाँ से 16 किलोमीटर हापुड़ है यहाँ से 120 और गाजियाबाद है 155। देखते हैं ये सामने आ चुका है टोल गेट, आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि मुरादाबाद से पहले पड़ता है ना, ये लाइन तो बिल्कुल ब्लॉक है, देख रहे हो ये लाइन बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है, ये लाइन ये हमारे वाली चल रही है, ये आने वाली देख रहे हो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है। सर ये होता क्या है, यहाँ पे टोल गेट पे ना सिस्टम जो है इनका गाड़ी का नंबर नहीं लेता, गाड़ी के सेंसर नहीं लेता, ठीक है, जो ये लोग लगाते हैं, सर ये बहुत गड़बड़ बात है ना, कोई इंसान एमरजेंसी में जा रहा है तो यार वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। सर ये रोड बहुत ही प्यारा है पता आपको, you
सकते हो मुरादाबाद जाते रहिए केवल 9 किलोमीटर, जो कि आप सामने बोर्ड देख रहे हो वहाँ से आप राइट जाओगे अगर तो मुरादाबाद आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर जाके मतलब यहाँ से मुरादाबाद शुरू हो जाएगा जो बोर्ड लगा है, ठीक है, तो राइट में जहाँ से ये कार्स वगैरह और बाइक वगैरह मुड़ रही है, ठीक है। तो हमें जाना है इधर जो कि गढ़मुक्तेश्वर का रास्ता गया है, ठीक है, सीधा हमें मुड़ना कहीं नहीं है, देख रहे ये है चलता पटना। अगर इतना प्यारा रोड मिल जाए तो यार बाइक ऐसे आती है गोली की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फ्लो में चलती है बाइक, यार बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, बहुत टाइम बाद लंबे रूट पर बाइक को थोड़ा खींच रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से ब्रज घाट रह गया केवल 55 किलोमीटर। अरे भाई कमाल हो गया, ऐसे जा रहे हैं यार ये लोग, ऐसे बैठे आते हैं भाई, हम जो बैठे नहीं आता, तीन तीन बैठे हैं, इसको बहुत तगड़े लोग हैं भाई, बहुत तगड़े लोग हैं यार। ये देख रहे हो ये फिर मार्केट प्लेस की जगह है, नाम तो नहीं पता मुझे कौन सी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे राइट में है CMU, ठीक है। तो ये पूरे CMU जो है ना ये आगे तक है, देख लो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर हॉस्पिटल भी है और इंस्टीट्यूट भी है जिसमें पढ़ाई होती है ना, कॉलेज है यहाँ पे स्टडी होती है। तो भी शायद ब्रजघाट यहाँ से रह गया होगा लगभग 30-40 किलोमीटर, ठीक है। यह बुलेट जो है पानी इधर चल रही है, बिल्कुल गोल ही जा रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ये वैसी बात है ना, मैं इधर से दो बार आती गाड़ी अपना, ये कहती है कि बस मुझे ऐसी चला देना, काफी ट्रैफिक है यहाँ पे देख रहे हो, पता नहीं कौन सी जगह आ रही है, ये देख रहे हो आप इंदौर गवा सादत बिजनौर हरिद्वार को भी यहीं से रास्ता है। यहाँ बारिश जो है तगड़ी पड़ी है, बारिश लगता बहुत तेज पड़ी है, तो देख रहे हो आप लेफ्ट चले आओगे तो संभल को रास्ता आ जाएगा, राइट चले आओगे तो अमरोहा की तरफ निकल जाओगे। तो बिजरोगा रहिए यहाँ से 24 किलोमीटर और ब्रजघाट रह गया है 36 किलोमीटर। अरे भैया ये तो बहुत दूर आ रहा, अरे 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 बाप रे बाप, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर। तो कार जो है गलत लेन मार रही है, देख लो सर, अभी हम ढाबे पे रुके हैं और यहाँ पे जो है अभी लंच करेंगे, ठीक है। तो लंच करने के बाद यहाँ से चलेंगे आगे, ब्रजघाट यहाँ से 23 किलोमीटर से आइए ऑलमोस्ट, ठीक है, जो भी ये बता रहे हैं ढाबे वाले भैया, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, हम यहाँ पे रुके हैं, देख रहे हो ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है सर, अभी खाना बन रहा है सामने, ठीक है, ये देखो तो
यहाँ से निकल जाएंगे हम, ठीक है, खाना बन जाएगा। यार हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, बाहर तो धूप है, ठीक है, बाहर धूप है, ठीक है, और अंदर जो है हवा बहुत प्यारी चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे, और खुला खुला एरिया है पूरा। देख सकते हो कि ये रोटी है, ठीक है, और ये दाल है, तो ये दो चीज़ें मंगाई हैं हमने, ठीक है। जो जगह है जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, ये रजबपुर है, रजबपुर है ना भैया, तो ये गजरौला यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ता है, और ब्रजघाट कितना पड़ता है भैया? 8 किलोमीटर। अच्छा, और ब्रजघाट? ब्रजघाट है यहाँ से 15। अच्छा, ब्रजघाट जो है यहाँ से 15 किलोमीटर है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ फटाफट आगे और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो पूरा डिस्कवर करेंगे आगे ब्रजघाट तक, ठीक है, बढ़िया बढ़िया आपको दिखेगा यहाँ पे चैनल पे मेरे, ठीक है। मुश्किल से 15-20 किलोमीटर आ गया ब्रजघाट यहाँ से, ठीक है, और देख रहे हो धूप हो रही है, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं है जैसे कल थी, ठीक है, कल मैं घर पे था तो बहुत तेज़ धूप थी, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये सब हाईवे है पूरा, ठीक है, ये NH9 है पूरा, ठीक है, देख रहे हो दिल्ली रोड है पूरा, तो आगे जाएंगे हम तो इधर आ जाएगा ब्रजघाट, और ये पूरा इसके सामने रुके हम, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सामने, ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगर कुछ बढ़िया दिखता है तो, ठीक है। आप देख सकते हो दिल्ली है यहाँ से 94 किलोमीटर, मेरठ है 57 और नोएडा है 86 किलोमीटर, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर बना है, देखो ब्रजघाट, ठीक है, देख रहे हो ये रास्ता बंद कर दिया इधर वाला, और हमें जाना है वहाँ सामने, ये बहुत सुंदर बना है, देख रहे हो दूर दूर तक वो सामने देख रहे हो बोट है, बोट भी चलती है यहाँ पे, है ना, बोट बहुत सारी यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, शायद इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है, देख रहे हो इधर पुल बना है और इधर ये ब्रजघाट है एकदम सुंदर, मैं वो देखो सामने घंटा है, घंटा घर है, ठीक है, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, बढ़िया से अभी। अरे तो काफ़ी बड़ी एरिया में है, बिल्कुल हरी की बॉडी की चुट्टू कॉपी है ये, पैसे देने पड़ते हैं क्या जी? ऐसी वैसी हाँ हाँ ना, जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना, आगे लानी पड़ी है, तो देख रहे हो अभी हमें ये है सुंदर सा देखो बना हुआ है ना, अभी आगे से लानी पड़ेगी हमें बाइक घुमा के, हाँ कहाँ से निकाली? अच्छा यहाँ से, तो ये देख रहे हो आप ये बना है, ठीक है, ये देख लो ये है,
ब्रज घाट, ठीक है, ब्रज घाट के अंदर इंटर हो चुका है अभी हम। फिर धर्मशालाएं बनी है इधर, देख रहे हो आप, और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो छोटे मोटे रेस्टोरेंट बने इधर, ओहो, तो यहाँ देखो गाड़ी वगैरह खड़ी है। फव्वारा चौक देख रहे हो आप, ये ऐसे बना, देखते हैं। तो देख रहे हो आप, तो देख रहे हो कुछ ऐसा बना, ये देख रहे हो, ये मार्केट में आ चुका है। अरे यार सीढ़ी है, ये प्रसाद के चक्कर में रहता है ना। सर ये है ब्रजघाट रोड ट्रिप का पार्ट वन, और यार इस ब्लॉग को मैंने इतना ही रखा, ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि यार फिर अच्छा नहीं लगता है ना ज़्यादा बढ़ा रहता तो यार अब इसके बाद आएगा, इस यहाँ तक के जो जर्नी है इसके बाद आगे की जर्नी आएगी पार्ट टू में, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो करने, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RKC Vlogs, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मैं बिल्कुल ही मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं इसी बड़े बड़े वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और हाँ कमेंट करिए जो कुछ पूछना चाहते हैं आप, और हाँ मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, और हाँ अपना सपोर्ट हमेशा रखिए मेरे साथ, ठीक है। तो यार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ ब्रज घाट, ठीक है, तो सीढ़ियों तक पानी पहुँच जाता है, पता आपको। तो देख लो यहाँ पे दान कर रहे हैं, ठीक है, छोटी